को नमस्ते, छोटों को हाय हेलो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। अपने गार्डन का कॉम्बिनेशन बदलता रहता है, कभी ऑरेंज पिंक, कभी पिंक रेड, फिर रेड ऑरेंज, तो ऐसे फूल निकलते हैं। अभी कॉम्बिनेशन है ऑरेंज पिंक। का हाल ऐसा है कि आज भी बिल्डिंगें नहीं दिख रही हैं, जिस दिन दिखेंगी बता देंगे। आज अपने को तैयारी करनी है क्योंकि आज जा रहे हैं हम ट्रेन यात्रा पे। ठंड में यार कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये भी रखो वो भी रखो, टोपा रखो, जैकेट रखो, जूते रखो। गर्मी रहती है, फटाफट चार कपड़े डालो, कहीं भी चल लो, ठंड में सोचना पड़ता है, तो बैग भी बड़ा हो जाता है। तो करते हैं तैयारी। अपना फोन हो गया चार्ज, तो पहले ये रायता समेटता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओढ़ने में तो बहुत मजा आता है इसे, 7-8 किलो की है, लेकिन फोल्ड करने में पैंट बच जाती है। हल देख को अपनी फटाफट पैकिंग करता हूँ, फिर नहाते धोते क्योंकि शाम को निकलना भी है। अपन फोन चार्ज में लगा के गया था थोड़ा शॉपिंग करने, थोड़े से काम थे। जिस दिन अपने को कहीं जाना होता है ना, उसी दिन अपनी शॉपिंग होती है। शॉपिंग ज्यादा कुछ था नहीं, एक लोअर खरीदना था तो वो लेके आ गया मैं, और कुछ मेडिसिन लेने थे वो लेके आ गया मैं। गया यहाँ से लोअर लेने। अपना थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, अपनी थाई अंगद वाली है, तो अपने को लोअर और जींस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लोअर भी नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा भाई ये नहीं आएगा। एक लोअर वाले ने एक लोअर दिखाया इससे पहले, ये तो मैं ले आया इससे पहले, एक लोअर दिखाया, कहता ये ट्राई करो, ये आपको पक्का आएगा, फिट आएगा। मैं भाई नहीं आएगा, डाल भी लिया, कहता अरे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। मैं चल भाई तू बोल रहे तो आ जाएगा, जैसे ऊपर किया फट गया। मैंने की घर वाली बेइज्जती, अब कुछ और दिखा, तो फिर उसने ये दिखाया, तो ये सही है ठंडे के लिए। तो इसे इस सब सामान आ गया, बस पैक कर। पैकिंग में एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। अपन क्या सोच रहे, ज्यादा बैग लेना जाए तो इस वाले बैग में कपड़े आ जाएंगे, वो काफी बड़ा है इसलिए। और अपने को टूटने वाले सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल चार्जर वगैरह, लैपटॉप के जो आइटम है, अपने वीडियो के एडिटिंग वेडिटिंग के लिए स्टैंड वगैरह, इसमें रखूंगा। लेकिन इस बैग की एक दिक्कत हो गई है, ये जो देख रहे हैं आप, ये तो बैग था बहुत बढ़िया, एक नंबर बैग था, ये बहुत दिन से है, चलता था। ये मैंने मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में कुछ जुगाड़ कर रहा था, दिमाग में पता ना क्या खुरापात मच रही थी, मैंने इसे कट कर दिया, तो इसकी वजह से ये फटा बैग ले जाना पड़ेगा। इसका जुगाड़ करते हैं कुछ। मेहनत के बाद अपनी कारीगरी कंप्लीट है, जेब बनाया मैंने सुई धागे का कमाल। फटाफट पैकिंग कर लेते हैं हम, वरना ट्रेन छोड़ गई तो हो जाएगा काम। अपने को ये सब भरना है भाई, ये सब भरना है इस बैग में। सो पहले फोल्ड कर लेता हूं ताकि इजी रहेगा, फटाफट भर देंगे फटाफट।
फोल्ड हो गया, बस इन्हें कपड़े में, इन कपड़ों को बैग में भरना है। बस बैग में भरते भरते नींद आने लगी। क्या मोटा तगड़ा हो गया, पूरा इतना मोटा हो गया। ये वाला एरिया अभी भी खाली है, इसमें कुछ आ जाएगा। बस आप अपने को ये वाली जगह खाली करनी है, फटाफट भर देना है। दोनों बैग रेडी हैं, एक ही अपना हो गया कपड़े का, दूसरा हो गया लैपटॉप वैपटॉप सारी चीजें। डन डन डन, मस्त खाली खाली हो गया टेबल अपना। बस अपने को एक काम रह गया, नहाने का, सारा डन। अपन इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आगे का आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। तो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। बूम।